तो वही भगवान राम की जन्म स्थली अयोध्या में भी दीपोत्सव शुरू हो चुका है। यहाँ उल्लास का माहौल है। भगवान राम की नगरी में हर कोने में दीप जगमगाएंगे और इसी के तहत आज राम की पैड़ी पर 9 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है, जबकि 3 लाख दीपकों से अयोध्या के मठ और मंदिर रोशन होंगे। श्री राम जन्मभूमि राम की पैड़ी सरयू घाट से लेकर राम कथा पार्क तक सतरंगी लाइटों से सजावट की गई है। अयोध्या में सैंड आर्टिस्ट रूपेश सिंह ने रेत पर रामायण के प्रसंगों पर आधारित आकृति बनाई। आपको बता दें कि अयोध्या में दीपोत्सव का आयोजन इस बार पिछले वर्षों की तुलना में ज्यादा भव्य होगा। तो वहीं आज सरयू किनारे राम की पैड़ी घाट पर अब तक का सबसे आधुनिक लेजर लाइट शो होगा। 5वें दीपोत्सव पर सऊदी से आए 337 फीट की स्क्रीन लगाई गई है। स्क्रीन पर महर्षि वाल्मीकि दिखेंगे और राम कथा सुनाएंगे। 3 लेयर की लाइटों के साथ 32 फीट पर साउंड सिस्टम लगाया गया है और इस बार अयोध्या में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखों से आतिशबाजी भी की जाएगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ एवं संवाददाता तुफैल अहमद फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं। तुफैल, जानना चाहेंगे अयोध्या में राम की नगरी में आज क्या कुछ माहौल है। देखिए उमंग, चूंकि ये 5वां दीपोत्सव यहाँ पर मनाया जा रहा है, क्योंकि प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है और योगी जी ने प्रदेश की कमान को संभाला है, तब से लगातार यहाँ पर दीपोत्सव दिवाली को एक अलग ही दीपोत्सव को माहौल दिया जा रहा है। घाटों को बिल्कुल दियो से सजाया जा रहा है, क्योंकि अभी तक तो कयास 9 लाख के थे, लेकिन अब तो दीपों की संख्या बढ़ती जा रही है, वो 10 लाख हो रही है और 2 लाख जो है अलग घाटों पर लगाए जाएंगे, दिए जलाए जाएंगे। और यहाँ पर पूरी तैयारी देखिए हो चुकी है, बस वो शाम का इंतजार है जब वो दिए जलाए जाएंगे। जी बिल्कुल, तो फिर और जानना चाहेंगे अयोध्या वासियों में कितना उत्साह है इस बार के दीपोत्सव का। जी साधु संतों में अयोध्या में बिल्कुल आज एक अलग ही माहौल यहाँ पर अयोध्या में देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोगों में जो उत्साह है कि जो 2 साल कोरोना काल से लोग परेशान रहे और उसकी वजह से यहाँ पर दिवाली नहीं हो मना पा रहे थे, लेकिन इस बार जो दिवाली रही वो बिल्कुल ही अलग ही देखने का यहाँ पर है, क्योंकि लाइटों से यहाँ पर जो है सजाई जाए, शाम को जब ये लाइटें जलेंगी तो एक अलग ही नए घाट का जो है एक अलग ही दृश्य देखने लायक होगा। जी बिल्कुल, तो फैल इस खबर पर जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।